हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सॉर्टेड स्टोरी। हमारी आज की रेसिपी है वनीला शेक। वनीला थिक शेक बनाने के लिए हमें चाहिए 2 लीटर दूध, 200 ग्राम चीनी, 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर और 2 चम्मच वनीला एक्सट्रैक्ट। वनीला शेक बनाने के लिए हम पहले दूध को 15 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। तीन टेबलस्पून दूध के अंदर हम कॉर्नफ्लावर को मिक्स करेंगे और इस मिक्सचर को इस उबलते हुए दूध में मिलाएंगे और इसे लगातार हिलाते हुए 5 से 6 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। अब हम इसे एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफर करके इसमें वनीला एक्सट्रैक्ट मिलाएंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे 5 से 6 घंटे के लिए डीप फ्रीज करेंगे। हम इसे तब तक फ्रीज करेंगे जब तक ये सेमी सॉलिड स्टेट में ना आ जाए। पाँच से छः घंटे के बाद हम इस सेमी सॉलिड मिक्सचर को मिक्सर जार में डाल के बस कुछ सेकेंड्स के लिए मिक्स करेंगे। लीजिए, हमारा वनीला थिक शेक तैयार है। आप इसे ठंडा ठंडा सर्व करें या फिर आधा ग्लास वनीला शेक को 2 बड़े स्कूप वनीला आइसक्रीम के साथ सर्व करें। ये शेक बहुत ही टेस्टी बनता है और बनाने में भी बहुत आसान है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बना हुआ बेल आइकन जरूर प्रेस करें। जल्दी मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।